Hey guys, पिछली बार हमने लेक्चर 9 में वेब पेज लिंकिंग देखी थी और यहाँ पे अब हम फॉर्म टैग देखेंगे। तो मैंने ये लेक्चर 10 करके फोल्डर बनाया और उसको ओपन कर दिया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पे हम और एक बनाएंगे फोल्डर CSS करके और उसके अंदर हम एक style.css करके फाइल बनाएंगे और बाहर की दबे क्लिक करके, ये फोल्डर के ऊपर क्लिक मत करना, साइड में की दबे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करके आपको एक फाइल बनानी है index.html। देन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी डाल के जो कोड है, कोड जो बेसिक कोड है वो मैं जनरेट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे CSS का कोड या फिर CSS की फाइल भी हमें लगानी है। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ लिंक रिलेशन स्टाइल शीट HREF हाइपर रेफरेंस CSS स्टाइल डॉट CSS। उसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक डिवीजन बनाते हैं और उस डिवीजन को मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ एक्चुअली मेन। सो वो क्लास हम जनरेट करेंगे यहाँ पे डॉट मेन। तो ये हमारा बैकग्राउंड रहेगा या फिर बैकग्राउंड कलर देंगे हम ग्रे। देन हाइट रहेगी हमारी पकड़ लो 850 पिक्सल और यहाँ पे अभी हम विड्थ रखेंगे 100%। ठीक है, तो 100% रख दिया। यहाँ पे जाके यहाँ पे भी सेव कर दिया, इसको रिवीजन इन एक्सप्लोरर कर देते हैं और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पे ऐसे छोटा करूँगा तो देख सकते हो कि हाइट उतनी रहेगी लेकिन विद 100% मतलब पूरा ले लिया। अगर यहाँ पे आप लोग सेट कर देते हो CSS के अंदर 10% सेव करके, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो ये 10% इतना तक आ गया। जैसे मैं बढ़ाऊँगा वैसे 10% भी कम होता जाएगा। देन 100% ही रख देते हैं तो ये ऐसे दिखाई देगा। अभी और एक प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है हमें यहाँ पे। आपने अगर पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर हम लिखते हैं स्टार करके और यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन 0 पिक्सल। तो ये डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है एक्स्ट्रा, वो ये ऊपर वाली आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिसेट कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, देख सकते हो ये जो लेफ्ट साइड में और अप में जो भी स्पेस है वो निकल जाएगा, देख सकते हो आप। मैंने रीलोड कर दिया है सो उसको निकालने के लिए यहाँ पे 0 पिक्सल रख दिया। उसके बाद इसके अंदर मेन के अंदर भी डिवीजन बनाएंगे और क्लास लिखेंगे हम, वो रहेगा कंटेनर। ओके, और कंटेनर को भी हम बनाएंगे CSS के अंदर। सो मैं ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, नीचे लिखूंगा डॉट कंटेनर और कंटेनर को जो हाइट होगी वो रहेगी 850 पिक्सल ही रहेगी पकड़ लो। देन विड्थ जो रहेगी वो रहेगी परसेंटेज में डाल लिया। अभी आप लोगों को विड्थ जोड़ा नहीं है, वो परसेंटेज में डालना है, तो 70% कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप परसेंटेज में विड्थ डालते हो तो यहाँ पे आपको हाइट अगर परसेंटेज में डालते हो तो आपको यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी डालनी होगी, लेकिन हाइट हमने 850 रख दी फिलहाल। बाद में देखते हैं, अगर चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ यहाँ पे वाइट। सेव, रिफ्रेश करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आ चुका है। और एक करना है हमें बीच में लेके आना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है प्रॉपर्टी मार्जिन ऑटो। सो इससे क्या हो जाता है, ये आप लोग देख सकते हो, ये बीच में आ जाता है ना। जूम आउट करूँगा तो आप लोग देख सकते हो। सो मेरे हिसाब से विद और कम हो सकती है, 60% देखेंगे तो ये ठीक है। तो परसेंटेज के हिसाब से जब मैं छोटा करूँगा तो वो परसेंटेज के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहता है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और एक डिवीजन बनाते हैं पूरा जो हमारा रहेगा, पकड़ लो रो। तो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ रो करके, रो ये पूरा रहेगा एक। उसके अंदर हम वापस से दो डिवीजन बनाएंगे, डिवीजन देन इसके अंदर क्लास और ये क्लास रहेगा लेफ्ट कॉल। ठीक है, और यही डिवीजन में यहाँ पे और एक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ
ये रहेगा हमारा राइट कॉल, राइट कॉल। सो रो जो है वो क्लास हम यहाँ पे बना दे फर्स्ट, यहाँ पे गए रो बनाया, इसके बैकग्राउंड कलर फिलहाल दे दे तो आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, बाद में हमें निकाल देना है बैकग्राउंड कलर को। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो फिलहाल रेड रख देता हूँ, बाद में निकाल देना है हमें। और हाइट जो रहेगी वो रहेगी ऑटो, ठीक है। लेकिन ऑटो हाइट अगर रख दी तो और एक प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है, वो होती है ओवरफ्लो हिडन। एक्चुअली ये ज़रूरी होता है, ये डालना ही आप लोगों को, ये बाद में दिखा दूंगा कि यूज़ कहाँ पे होता है, क्यों होता है, लेकिन याद रखना कभी भी हाइट ऑटो रख दिया मतलब ओवरफ्लो हिडन, ये प्रॉपर्टी आपको डालनी होती है। सो ये हो गया, उसके बाद बचा क्या है विथ। सो विथ हमें ऑब्वियसली इसकी 100% रहेगी। ये हो गया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा, फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो बना चुका है क्योंकि अंदर कंटेंट कुछ नहीं है, हाइट हमने ऑटो रखी है। तो अगर मैं कंटेंट कुछ डालूंगा तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे हो रहा है। सो वो लेफ्ट कॉल है और राइट कॉल, ये इन दोनों को भी बनाना है हमें। सो इन दोनों को हमें क्या कर देता हूँ, ये कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं और डॉट, ये मैंने बना दिया। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, ब्लैक ब्लू जो भी रहेगा वो बाद में निकाल देना है, कलर तो चाहिए नहीं, वाइट के ऊपर ही हम सारा डिज़ाइन देखेंगे। तो हाइट भी ऑटो रहेगी, हाइट ऑटो मतलब आप लोगों को पता है, और फ्लो हिडन रखना है। उसके बाद विथ जो है, हाँ यहाँ पे आप लोगों को विथ 50% कर देनी है। सो ये आधा 50% यहाँ पे रहेगा, और इसको फ्लोट भी कर प्रॉपर्टी देनी है, फ्लोट लेफ्ट। सो काम बन गया हमारा, और ये लेफ्ट के लिए हो गया, तो वैसे ही राइट के लिए करना है हमें। सो यहाँ पे हम RIGHT राइट कलर हम चेंज कर देते हैं, कलर मैं ये कर देता हूँ फिलहाल के लिए, हाइट ऑटो, ये यहाँ पे राइट कर देनी है मेरे हिसाब से, बाकी तो सेम रहेगा। यहाँ पे जाके अकाउंट रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों की हाइट ऑटो कर दी है। सो आगे इसके अंदर का निकाल देते हैं, यहाँ पे दो रो के अंदर हमने बनाया, ये एक रो है कंप्लीट और उसके अंदर दो लेफ्ट कॉन राइट कॉन ऐसे बना रखती है। सो ये मेरे हिसाब से जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो हम निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं आप लोगों को, सिर्फ दिखाने के लिए कि वहाँ पे क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल D करके जो भी यहाँ पे रहेगा वो कलर हम निकाल देते हैं। ऊपर जाके देखते हैं, कुछ गलत नहीं निकाल दिया, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, ये पूरा का पूरा निकालना होगा हमें, देन ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा। तो अभी सेव करके देखेंगे तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, अगर उसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो आप लोग देख सकते हो ये हो गया, लिख दिया मैंने और यहाँ पे ये लिख दिया। सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। अभी हम फॉर्म बनाएंगे, तो फॉर्म बनाने के लिए मैं जो कंटेनर जो है फिर कंटेनर के ऊपर बनाते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम फॉर्म टैग बनाते हैं, ये फॉर्म टैग की जो ओपनिंग की है वो कंटेनर के ऊपर है, मतलब इसकी क्लोजिंग में कंटेनर की क्लोजिंग के बाद आएगी, ठीक है, ये कंटेनर की क्लोजिंग है। चाहे तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट आपको पता है कि कैसे लिखना है, डबल डैश और इसमें लिखना है क्लोजिंग ऑफ कंटेनर, तो इससे पता चल जाएगा, बाकी तो मैं नहीं लिखता, अगर लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है जो भी टेक्स्ट होगा वो, तो टेक्स्ट हम पैराग्राफ टैग में डाल देते हैं और इस टेक्स्ट के अंदर हम डालते हैं यूज़र नेम, हाँ। और ये फॉर्म टैग क्यों डाला है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म टैग के अंदर ही सारे टैग आने चाहिए जो कि इनपुट टैग्स होते हैं। इनपुट टैग्स मतलब जो भी हमारा फॉर्म के अंदर यू फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी पासवर्ड वगैरह जो भी होता है वो सारे फील्ड्स इसके अंदर ही बनेंगे, ठीक है, इसलिए फॉर्म टैग
के अंदर जो भी रहेगा कंटेनर भी, एक्चुअली कंटेनर ये डिवीजन है यहाँ पे, तो चल जाते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर इनपुट टैग ही होने चाहिए जो भी है, वो बाहर नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो वो कुछ काम का नहीं है उसके लिए। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म जो फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग को हमने बाहर रख दिया कंटेनर के बाहर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फॉर्म टैग के अंदर कंटेनर पूरा, उसके अंदर सारे के सारे इनपुट टैग्स मिलेंगे या फिर फॉर्म टैग्स मिलेंगे। तो यूज़र नेम, यूज़र नेम अभी यहाँ पे हम डालते हैं इनपुट टाइप, सो इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट एक टैग है टाइप और उसका एट्रीब्यूट टाइप है, और उस वहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। सो ये हम जाके रिफ्रेश जब करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यूज़र नेम और यहाँ पे इनपुट टैग आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे जूम इन कर देता, रिसेट कर देता हूँ तो और भी अच्छी तरह से दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत कम और अच्छी तरह से और भी डिज़ाइन नहीं है, सेंटर में नहीं है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, इनको ऑब्वियसली हमें क्लास देना होगा। तो पैराग्राफ टैग को मैं क्लास दे देता हूँ, ये टी टी ऐसे करके दे देता हूँ, और इनको भी ये जो है इसको क्लास दे देता हूँ इनपुट क्लास, ऐसे कुछ नाम दे देता हूँ। सो ये टी टी मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लास लिख दिया मैंने टी टी, और उसकी जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है उसको हम सेंटर कर देते हैं। तो अभी अगर मैं जाके रिफ्रेश करूँगा देख सकती है वो सेंटर में आ रहा है ना, और इसको हम चाहिए तो रो को, एक्चुअली हमें रो को पैडिंग देनी होती है, रो को देखते पैडिंग देख के क्या होता है, पैडिंग 10 पिक्सल, पहले रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ, तो पैडिंग देने से वो ऊपर से नीचे से सब जगह से पैडिंग आ रही है, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हो यहाँ पे ये रहेगा रो, सो रो को एक्स्ट्रा पैडिंग दे दिए मैंने, इसलिए वो स्पेस क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट होनी चाहिए, देन ये जो पैराग्राफ टैग है उसको हम फॉन्ट फैमिली भी दे सकते हैं, फॉन्ट साइज भी यूज कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, देखते हैं यहाँ पे कैसे शो हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब ये 24 सफिशेंट रहेगा साइज से, देखते हैं और भी कम चाहिए 22 अभी के लिए, ठीक है। अभी और एक काम करना है, यहाँ पे जाके ये जो इनपुट क्लास इसको भी बनाना है हमें, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं इनपुट क्लास, इसकी जो हाइट है वो रहेगी 30 पिक्सल, देन विड्थ जो होगी वो रहेगी 100%, देखते देखे क्या होता है, रिजल्ट देख लेते पहले, वो आगे की तरफ जा रहा है, बाहर जा रहा है, सो वैसे नहीं चाहिए, मतलब ये हमें कम करना होगा, तो ये हम 70% करके देख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। सो ये हो रहा है, लेकिन अंदर हम लिखेंगे तो वो छोटा ही हो रहा है, तो हमें अंदर का फॉन्ट साइज भी चेंज करना है, तो इसके अंदर मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ 20 पिक्सल, देख लेते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो ये बड़ा लिख के आ रहा है, ठीक है। और यूज़र नेम जो लिखा है उसको भी हम चाहे तो पैडिंग दे सकते हैं, सो टेक्स्ट को पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग ऊपर नीचे से दे सकते चाहे तो 5 पिक्सल सिर्फ, और नीचे ऊपर नीचे से ये आ रहा है, और साइड साइड से 0-0 पिक्सल दे देंगे हम। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अभी मिडल में भी आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे रो को थोड़ा सा और हम रो किधर गया, रो को थोड़ा सा और अगर हम यहाँ पे ये दे देते पैडिंग दे देते देख सकते हैं, क्यों राइट की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, चलेगा इससे कुछ इतना डिफरेंस तो नहीं हो रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं ऐसे भी छोटा बड़ा करने से भी वो एडजस्ट हो जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। इसके लिए अभी ये जो था वो टेक्स्ट इनपुट था, और भी हम प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमने इनपुट क्लास दिया थे इसको हम
बॉर्डर रेडियस अगर मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। इसके कॉर्नर जो है वो कर्व हो गए, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है बाय डिफॉल्ट बॉर्डर इक्वल टू नन, सो इसकी बॉर्डर चली जाएगी, जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे होगा वो लेकिन चली जाएगी। सो हम एक काम कर देते हैं, बॉर्डर नन नहीं करते, हम यहाँ पे बॉर्डर बना देते उसकी सॉलिड और इसको ब्लू वॉलेट दे देता हूँ और 1 पिक्सल। सो एडिट करेंगे उसके बॉर्डर को, देख सकते हैं ये ऐसे आ रहा है और भी अच्छी तरह से शो हो रहा है। और क्या करना है हमें अभी, ये हो गया सिर्फ टेक्स्ट इनपुट हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अभी हम इस रो को वापस से रिपीट करेंगे और इसके अंदर चेंजेस करेंगे। सो मैं इस रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नीचे और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो यूज़र नेम सेकेंड टाइम आया, लेकिन ये यूज़र नेम नहीं रहेगा, ये यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र ईमेल। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा दिखाऊँगा तो यूज़र ईमेल लिख के आया, यहाँ पे ईमेल चाहिए तो हमें यहाँ पे लिखना होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट में। मैं थोड़ा ये ऊपर कर लेता हूँ तब दिखाई देगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट में यहाँ पे ईमेल लिखना होता है, तो ये टाइप होता है ईमेल। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब इस फिलहाल तो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि अंदर भी वही लिखेंगे, इसके अंदर भी वही लिखेंगे हम, और शायद से माउस लेके जाने के ऊपर अंदर जब हम लिखेंगे तो आप देख सकते हो प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे वो कुछ ऐसे शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कैसे कुछ शो नहीं कर रहा है, ये क्यों शो कर रहा है क्योंकि ये ईमेल है, यहाँ पे वैलिड ईमेल डालना होता है, तो ये ईमेल इनपुट था इसलिए वैसे शो कर रहा है। वैसे ही बाकी के जो अभी बच्चे हैं उनको भी हम क्या करेंगे बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये रो हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड ऑब्वियसली ईमेल की जगह पे हमें चेंज करना है पासवर्ड। रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड की तरह लिख के आएगा। अभी ये अंदर प्रॉपरली लिख के नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ही अंदर से टच होके लिख के आ रहा है। सो हम जाएंगे यहाँ पे इनपुट क्लास में पैडिंग लिखेंगे, पैडिंग 5 पिक्सल, देखते वो बढ़ तो गए लेकिन देख सकते हो थोड़ा सा स्पेस बन के आ गया और अच्छी तरह से भी दिखाई दे रहा है। ये हो गया पासवर्ड के लिए। बाद में हमें और एक बार कॉपी करनी है इसके नीचे, पासवर्ड के अलावा और कौन सी फील्ड्स होती हैं यहाँ पे चाहिए तो आप लोग ये निकाल के कंट्रोल स्पेस बार दबा के देख सकते हो और कौन सी होती है। जैसे कि सपोज फाइल, ये फाइल का मतलब होता है यहाँ पे मैं लिखूँगा पैराग्राफ टैग के अंदर अपलोड यूअर प्रोफाइल पिक। रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो ये चूज करने के लिए दे रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो उसका जो टाइप है इनपुट टाइप फाइल करके है। वापस हम सेम कॉपी और सेम पेस्ट करके यहाँ पे और भी देख सकते हैं टाइप कौन से हैं, ईमेल है, इमेज है, नंबर है, मंथ के अलावा अगर आप डेट लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सो सेलेक्ट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं जाके रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो ये हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है। उसके बाद हम और जाते हैं इसकी कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और कुछ ज़रूरी बचा है तो मैं दिखता हूँ, बाकी आप सिलेक्ट करके देख सकते हो खुद से भी। वीक URL चाहिए तो वो भी कर सकते हो, रीसेट बटन, रेडियो नंबर, ओके फिलहाल तो अलग कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ अभी जो बचे हैं वो हैं
यहाँ पे रेडियो बटन। सो रेडियो बटन में सेवर किया, फिर रिफ्रेश करूँगा तो ये ऐसे शो हो रहा है। अभी चाहिए तो इसके लिए अलग से क्लास बना सकते हो। ये किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ पे जेंडर, जेंडर सिलेक्शन के लिए। सो ये इनपुट टाइप रहेगा मेल और दूसरा रहेगा फीमेल। यहाँ पे फीमेल, लेकिन ये ऐसे शो हो रहा है क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जा रहे हैं ना। तो इनका क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है एक्स्ट्रा, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली। वो देखता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं एक्चुअली शो तो नहीं कर रहा है ऐसे कुछ, हम छोटा करके देख, सॉरी बड़ा करके देखते हैं उसको। इसकी विड्थ, हाँ सॉरी इसकी विड्थ मैंने वहाँ पे रखी है ना वैसे, इसलिए हमें ये जो इनपुट क्लास है उनको चेंज करना है। सो इनपुट क्लास 2 कर देते हैं, यहाँ पर रखे रिफ्रेश करूँगा तो ऐसे शो हो रहा है। तो एक तो ये सिलेक्ट होगा या फिर ये सिलेक्ट होगा। अगर उनको भी अलग से आपको क्लास बना के यहाँ पर मेनटेन करना है तो वो भी कर सकते हो। तब पे जाता हूँ मैं, इसकी हाइट अगर डिफाइन करना है तो कर सकते हो, 20 पिक्सल हाइट कर दो। सो बढ़ गई, विड्थ भी कर देता हूँ, विड्थ 20 पिक्सल। तो अभी हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। देन ये डीसेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, रेडियो बटन इसमें डीसेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा दूसरा भी एक ऑप्शन है जो कि यूज़ किया जाता है, अगर आपको डीसेलेक्ट करने वाला चाहिए तो आप लोग चेकबॉक्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जेंडर ही लिख देता हूँ, दूसरा बनाया मैंने यहाँ पे, और इनपुट टाइप में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा चेकबॉक्स और यही हम सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये चेकबॉक्स है, ये चेक अनचेक कर सकते हैं, लेकिन अभी भी स्विच नहीं हो रहा है। मतलब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये चला जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे नहीं हो रहा तो चल जाएगा। और हाँ, ये मेल फीमेल को भी चाहिए तो आप लोग पैराग्राफ टैग पे, पैराग्राफ टैग या फिर कोई भी टैग में डाल के, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको स्पैन, पैराग्राफ टैग में मत डालना, स्पैन में डाल देता हूँ, फिर चल जाएगा, ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल इतनी। मेल और फीमेल दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद और क्या यूज़ होता है, हाँ उसके बाद इसकी सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कमेंट। सो कमेंट के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिखना आपको, टेक्स्ट सॉरी एक टैग लिखना है टेक्स्ट एरिया करके। क्लास में फ़िलहाल यही दे देता हूँ इनपुट क्लास करके, देख लेते हैं, या फिर इसके लिए भी अलग से बना सकते चाहिए तो। ये 2 निकाल देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो ये कहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे जो इसकी हाइट और विड्थ आप लोग चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स की तरह ही होता है, आप लोग देख सकते हो इसमें लिख सकते हैं ऐसे, ये फॉन्ट भी अलग तरीके से आ रहा है। हाँ, और एक होता है जो बच्चा है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट एज, सिलेक्ट एज। तो ये मैं निकाल देता हूँ, या फिर इसको मैं सिलेक्ट करके सेलेक्ट करके लिखूंगा, और सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे इस टैग के अंदर हमें लिखना होता है ऑप्शंस, से ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन के अंदर आपको एज लिखनी हो, एज भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन बनाने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं 20, एक्चुअली यहाँ पे 21 कर देते हैं, 22, 23, 24, 25,
25, 26, 27. सेव करूंगा यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा सो देख सकते हैं आप लोग ऐसे में सिलेक्ट कर सकते हो तो आप लोग ये सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से ओके सो और भी मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग एक काम करना इसके अंदर इनपुट टैग जब लिखोगे तो इसके अंदर मिलेंगे कलर कलर को अगर मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ दिखा तो आप लोगों को ऐसे होगा तो ये कलर बॉक्स चेक बॉक्स ये कलर बॉक्स मिल जाएगा आप कलर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो ओके कर दिया तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा अगर सिलेक्ट किया तो और भी है तो आप लोग वो चेक कर लेना फिलहाल मैं चेक बॉक्स ही रख देता हूँ जो भी डिज़ाइन है वही रख देता हूँ ठीक है ये हो गया तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए इतने सफिशेंट है और जो लास्ट में रहता है तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो मैं रो के अंदर ही क्रिएट करूँगा एक सिंगल रो के अंदर यहाँ पे जाता हूँ डिवीजन क्लास रो और यहाँ पे इनपुट टाइप रहेगा सॉरी टाइप रहेगा सबमिट तो ये सबमिट बटन रहेगा ये मैं सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ ये आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ सबमिट बटन ठीक है लेकिन उसको भी डिज़ाइन करना है बीच में लेना है तो हम एक काम करते हैं इसको पैराग्राफ टैग के अंदर डाल देते हैं तो इससे क्या होगा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अगर मैं ये बीच में डालता हूँ इसके अंदर और अभी मैं इनलाइन सेसेस लगा देता हूँ इसको फिलहाल के लिए स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर सो इससे का क्या होगा यहाँ पे वो बीच में आ जाएगा ऐसे ठीक है और यहाँ पे इस इनपुट टैग को हम प्रॉपरली मैनेज करके यहाँ पे क्लास दे देते हैं क्लास सबमिट बीटीएन सो इसको और अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे सीएसएस में जाके अंदर जाता हूँ यहाँ पे लिखूँगा सबमिट क्लास सबमिट बटन और बैकग्राउंड कलर ये सक्सेस जैसे रहेगा तो ये ग्रीन की तरह रहना चाहिए या फिर ग्रीन जी हाँ डबल ई एन ग्रीन ग्रीन यही रख देता हूँ तो उसका जो हाइट रहेगा वो रहेगा 30 पिक्सल और विड्थ जो रहेगा वो रहेगा पकड़ लो 200 पिक्सल सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं पहले हम ठीक है देन कलर कलर किसके लिए जो टेक्स्ट है अंदर लिखा हुआ उसके लिए हो गया और जो बचे हैं डिज़ाइन वो डिज़ाइन अभी क्या है जैसे कि उसके अंदर फॉन्ट साइज 22 पिक्सल अभी इसको हाइट जो दी है हमने बढ़ानी होगी छपे 50 कर देता हूँ अभी और भी ज़्यादा हो गया एक्चुअली 40 ये ठीक है डैन उसकी जो बॉर्डर है वो निकाल देते हैं बॉर्डर ये फिर डाल दो एक्स्ट्रा नया सो जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ मैं बॉर्डर ग्रीन येलो कर देता हूँ 1 पिक्सल और सॉलिड तो ऐसे ही हम बॉर्डर को डालते हैं देन और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल अभी देखेंगे रिफ्रेश करके और भी अच्छी तरह से शो हो रहा है ये जो कलर है हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन में ही अगर डार्क रहेगा तो और अच्छा सा शो होगा ये सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे 3 पिक्सल हाँ ठीक है तो शो भी हो रहा है अभी तो ये सबमिट बटन रहेगा जो कि सबमिट करेंगे हम अभी यहाँ पे हम चाहे तो छोटा करके देख सकते हैं ये छोटा भी हो रहा है और सेटल भी हो रहा है ठीक है
तो इसको हम एक्चुअली रिस्पॉन्स ही नहीं बोल सकते, लेकिन सेमी रिस्पॉन्सिव है, मतलब ये अपने आप एग्जिस्ट हो पा रहा है जितने जितना हो रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाय।